तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिन मोबाइल में एंड्रॉइड 12 का अपडेट आ चुका है या फिर बोल सकते हैं एंड्रॉइड 12 पे हो चुके हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभार आपने ऊपर देखा होगा नोटिफिकेशन पे आपको एक ग्रीन डॉट सा दिखता है या फिर कोई ग्रीन कलर में आइकन बना हुआ दिखता है। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, मेरे साथ तो हमेशा होता है। मैं आपको ये सैमसंग गैलेक्सी से रिलेटेड बताने वाला हूँ, बट ये सेम एंड्रॉइड मोबाइल में, जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल है सब में सेम होता है जिसमें एंड्रॉइड 12 का अपडेट हो चुका है। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगा के दिखाया है कि ग्रीन डॉट आता क्यों और इससे एक्चुअल में होता क्या है, आगे आपको वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एस एंड टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन डॉट के बारे में, अभी कैसे दिखता है वो बता दूं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको एक ग्रीन डॉट सा दिख रहा है, ऊपर कैमरे आइकन बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ये ग्रीन डॉट दिख रहा है। मैं जैसे ही नीचे करूंगा तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि कैमरे के ऊपर दिख रहा है। ऐसे ही आपको बहुत जगह दिखता होगा, कोई भी जगह। मैं एक बार और दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, और तो आप देखेंगे दोस्तों ये भी आपको यहाँ पर भी दिखेगा। अब मैं नीचे करके देखूंगा तो आप दिख रहे होंगे ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा आपको बहुत जगह दिखता होगा। ये किस चीज का होता है और एक्चुअल में ये वर्क क्या होता है दोस्तों, एक चीज बता दूं, ये होता है आपको प्राइवेसी से रिलेटेड होता है और बहुत काम का ये फीचर है। ये आपको बताता है कि आपके मोबाइल का जो कैमरा है या माइक्रोफोन है, इसको किसी ने एक्सेस करा है तो ये आपको बता रहा है कि भैया कहीं ना कहीं ये यूज हो रहा है। अगर आपने यूज नहीं करा तो आप उसको जाके देखें कि कौन सी ऐप इसको यूज कर रही है, कैसे काम करता है ये बता दूं। लाइक मैंने यहाँ पर कैमरे को ओपन करा, जैसे ही मैं कैमरा ओपन करूंगा ऊपर आपको दिखा देगा कि यहाँ पर कैमरा और माइक दोनों ऑन हो रहे हैं। देख रहे होंगे कैमरा और माइक का दोनों का साइन दिखा दिया कि मतलब यहाँ पर कैमरा और माइक दोनों को यूज कर रही है कोई सी भी ऐप। अब मैं यहाँ से बैक आऊंगा तो वो हट जाएगा, अब हट जाएगा पर माइक दिखाएगा, क्योंकि माइक मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू है तो इसलिए माइक एक्सेस दिखा रहा है। मैं यहाँ से हटा दूंगा माइक को तो वो माइक भी वहां से हट जाएगा। मतलब कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि कौन सी ऐप आपकी कोई से भी, जैसे लाइक माइक्रोफोन और आपका कैमरा, जो भी चीज एक्सेस करेगी आपको नोटिफिकेशन देगी। और एक्चुअली एक चीज और बताता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर ऐसी नंबर पे, कस्टमर नंबर पे कॉल करा, ठीक है। अब ऊपर की तरफ देखेंगे आपको तब भी ये बता रहा है ऊपर नोटिफिकेशन, मतलब कि आपने कॉल लगाया तो आपका माइक्रोफोन एक्सेस वहां पर हो गया है। तो ऐसे ही अगर आप कोई सी भी ऐप में हो, अगर कोई भी आपकी एक्टिविटी या कोई सी भी ऐप कैमरा और माइक्रोफोन एक्सेस करेगी तो वो आपको नोटिफिकेशन जरूर देगा कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कोई ना कोई ऐप एक्सेस कर रही है। लाइक मान लो मैंने यहाँ व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे आने के बाद मैंने यहाँ पर कैमरे को यूज़ करा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कैमरा एक्सेस करा, ऊपर आपको बता देगा भैया यहाँ पर कैमरा एक्सेस हो गया। आप देख रहे होंगे ये ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखा देगा, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको बताने भी वाला है कि भैया ये वाली ऐप आपकी व्हाट्सएप इसको यूज कर रही है। आप देख रहे होंगे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बता देगा व्हाट्सएप की ऐप आपके कैमरे को एक्सेस कर रही है। कैसे, अब मान लो मैंने उसको बंद करा और मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाले को आइकन को ही लॉक करके चालू कर दिया, और अब नीचे की तरफ आऊंगा तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइक्रोफोन एक्सेस हो रहा है। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो आपको बता देगा Being used by WhatsApp, ये आपको चीज दिख रही है। मतलब कि आप सिक्योरिटी कर सकते हैं कि आपके बिहाफ में कौन आपके ऐप को यूज कर रहा है आपको बिना बताए, तो ये इसलिए काम करता है। एक बार और मैं आपको कोई दूसरी ऐप में ले जाता हूं और वहां पर यूज करके दिखाता हूं। लाइक मैंने यहां पर फेसबुक पे गया और मैंने यहां पर मैंने यहां पर कैमरे को ऑन कर लिया। अब मैं नीचे गया हूं, यहां ऊपर दिखा रहा है कैमरा एक्सेस हो रहा है ऑलरेडी है, और आप दिखा भी देगा कि बीइंग यूज्ड बाय फेसबुक, मतलब कि कोई सी भी ऐप अगर यूज करेगी तो उस ऐप का नाम आपको बता देगा कि कौन सी ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कौन सी ऐप यहाँ पर यूज कर रही है। तो बीइंग यूज्ड बाय कैमरा, ये एक प्राइवेसी रिलेटेड फीचर है, मुझे तो बहुत सही लगता है सिक्योरिटी का। ये मेरे को, मैंने पहले iOS में भी यूज़ करा था, iOS में ऑरेंज कलर का डॉट आता है और यहाँ पर उसको ग्रीन कलर का कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इस प्राइवेसी में जाएंगे, सेटिंग में जाके प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा परमिशन मैनेजर में, और यहाँ पर माइक्रोफोन में जाएगा तो कौन कौन सी ऐप ने आपको एक्सेस दे रखा है, आपने कौन कौन सी ऐप को एक्सेस दे रखा है, सब यहाँ पर दिख जाएगा। और अगर आप कैमरा और अलर्ट जो दिख रहा है ऊपर आ रहा है कंट्रोल एंड अलर्ट, अगर आप माइक्रोफोन एक्सेस को यहाँ से बंद कर देंगे तो आप कोई भी माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। एक मैं व्हाट्सएप पे गया और मैंने यहाँ पर इसको ऑन करने की कोशिश करी, वहाँ पर आपको एरर आ जाएगा भैया टर्न ऑन माइक्रोफोन एक्सेस टू यूज़ दिस फोन यू टर्न ऑन द माइक्रोफोन एक्सेस, मतलब कि माइक्रोफोन एक्सेस को आपने बंद कर दिया है तो कोई भी ऐप माइक्रोफोन को एक्सेस नहीं कर पाएगी जब तक आप इसको अलाउ ना करें। इसमें कॉल तक भी काम नहीं करेगा जब तक फ़ोन डायलर भी आप यूज़ नहीं करेंगे। तो बहुत ही कमाल का ये वाला फीचर है, प्राइवेसी रिलेटेड फीचर नहीं बोल सकते हैं, हिडन से सिक्योरिटी है जो कि बहुत अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी वीडियो कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलो, और साथ में नोटिफिकेशन वाला आइकन को भी दबाना ना भूलो, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलो, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।